बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विस यादव ने कहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, इतनी अटेंशन मिल रही है कि क्या बोलूं। ये फीलिंग मैं बयान ही नहीं कर पा रहा, मतलब मुझे 100 बार पूछ लिया, 100 बार मैंने जवाब दिया, बहुत अमेजिंग फीलिंग है यार, बहुत मजा आ रहा है। जो इतनी अटेंशन देख के मेरे को आदत नहीं थी, अटेंशन नहीं बट मिल रही है तो व्हाई नॉट। आप जो बाइक का एंट्री है सब गारंटी जा रही है, क्या कुछ आपको हासिल करने का इस बड़े प्लेटफॉर्म से, क्योंकि यूट्यूब जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म में योगदान सो गए, ये प्लेटफॉर्म में क्या कुछ करना है? ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि कुछ हासिल करने आया, मुझे बताया गया था दिस इज रियलिटी शो बी यू, तो मैं जो भी था वो अंदर जाके मैंने दिखा दिया। तो धीरे 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 उस स्टेज में पहुंचा कि मैं जीत भी गया, काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपकी जर्नी के बाद सबसे बड़ी जो जी आर के और आपके जो इंसिडेंट हुआ है उसमें काफी लोगों ने आपको बाहर सपोर्ट किया, वायरल किया, उसको लेकर आपको क्या कुछ करना है? जो साबुन का पानी उसने पिलाया, ऑब्वियसली अगर मेरे को नहीं किसी को भी दिया जाएगा तो गलत चीज़ है, और उस गलत चीज़ को सलमान भाई ने भी बोला, तो फैंस देख रहे थे मर जाता है यार, बच गया। पर आपसे अभी हाल ही में कि अगर कोई आप नहीं जीते रहेंगे तो आप अभिषेक मलान को देखते, वो सेकंड थे जब मूवमेंट था, हमने देखा आपकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गई थी, पहले संदेह वो मूवमेंट ही ऐसा था, वो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि कितना क्या फील कर रहा था, जो हाथ पर था उन्होंने बात बढ़ा दी, ये तो मेरे को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पहले बिग बॉस में इन्हें पहले बताने थे कौन जीतता, बट नहीं बताते हैं आप, लास्ट मोमेंट में पता लगता है, तो हार्ट बीट बहुत तेज थी। अच्छा, अभिषेक की हेल्प को लेकर काफ़ी किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं? फीवर हुआ था, डेंगू हुआ था, तो उसको वो काफ़ी वीक हो गया था, मैं उसके पैरों में भी दर्द था, जॉइंट पेन था, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, बट आया फिर उसमें लास्ट मोमेंट में थोड़ा थका हारा लग रहा था, बाकी आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। गेट वेल सून। अभिषेक के बाद आप सबसे अच्छी दोस्त मनीषा रानी की, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप और इन टर्म्स ऑफ प्लेयर कैसे लग रही थी? बहुत अच्छी लग रही थी, शी इज़ वेरी रियल, और दिल से काफ़ी साफ लगी मुझे, और मैं जिन लोगों से बात करता हूँ चेक करता हूँ कि मेरी वाइफ मिल रही है, मेरे साथ काफ़ी कॉमेडी करती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो शी इज़ अ गुड फ्रेंड। अविनाश की अगर मैं बात करूँ, आपकी जब शुरुआत में काफ़ी सारी मूवचूक हुई उनके साथ, वो कहते कि आपको उनको लगता था कि आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कंटेंडर होंगे, ऐसा कुछ आपके मन में था कि अगर मैं शुरुआत में जाऊँ अविनाश से अगर मैं पंगा लूँ तो कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ भी सोच नहीं, मैं पंगा ही लूँगा, क्योंकि बिग बॉस इज नॉट लाइक कि सिर्फ फाइट ही करना है, वो जीना है। तो अब मैं सोचता हूँ जैसे पीछे जाके कि इज़ माई बिग ब्रदर, और उन्होंने लास्ट में जाते जाते मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई अच्छी कि ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, कंट्रोल में लैंग्वेज बहुत अच्छा था। अविनाश बड़ा बिग बॉस भी आने वाला है, जब आपके नाम आएगा बड़ा फैंस चाहते बड़ा बिग बॉस बहुत बड़ा होता है यार, उसमें मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी इस चीज़ से निकला हूँ, अभी बाद में मौका मिला था फॉर शॉप। किस तरह से रियलिटी शो ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो कुछ मिल जाएगा वहाँ चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।